After the unfortunate death of singer politician Sidhu Moosewala, the emotions of people has been greatly aggravated. Fazil Puria and Desi rock star MD recently organized a candle march to fight for justice for Sidhu Moosewala. Hundreds of people participated in the march, which started from Nehru Stadium and ended at Lee John Memorial Hall. Now, the Bollywood singer Fazil Puria has made it very clear that the police should find out the culprits and the killers should be encountered. While Desi rock star MD has expressed his emotion, saying that till the justice is given to Sidhu Moosewala, he will not release a song. कि जब तक सिद्धू भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही कैंडल मार्च करते रहेंगे और जब तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम कोई शो नहीं करेंगे, जब तक कोई अपनी एल्बम रिलीज नहीं की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे इस फिल्म के लिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे ही हम एकजुट होते रहेंगे। ये कैंडल मार्च सिर्फ और सिर्फ सिद्धू भाई को जस्टिस दिलाने के लिए और पंजाब इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को मैसेज देने के लिए कि भाई हम इकट्ठे हो चुके हैं, आप लोग भी इकट्ठे हो, आप लोग एक कदम बढ़ाओ, हम आपसे आगे खड़े मिलेंगे। लेकिन अब इकट्ठे हो जाओ, सब लोग बाहर आओ, आवाज़ उठाओ और इस मुद्दे को दबने मत दो, कहीं ऐसा लगे कि ये बात भी दब जाए। और जस्टिस में ये नहीं, ये जेल में जो सिद्धू भाई के साथ हुआ वही उनके कातिलों के साथ हो, हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर पंजाब इंडस्ट्री और अगर सारे आर्टिस्ट हरियाणा पूरे ऑल ओवर इंडिया के उठ के किसान आंदोलन में जान डाल सकते हैं तो क्या हम इस मुद्दे पर उठ के जान नहीं डाल सकते? अब क्यों छुपते फिर रहे हैं, अब क्यों हम नहीं बोल रहे? यही समय इकट्ठे हो, बोलो, आगे आओ, डरने की जरूरत नहीं है। जो होना होता रहेगा, जो जिंदगी में लिखा है होगा, डर के क्या बैठे। मेरे डालने के बाद हरियाणा की इंडस्ट्री के अंदर इतना सपोर्ट मिला, एमडी भाई ने, दिलेर ने और काफ़ी अपने जो भाई है ईशान भाटी, काफ़ी लोगों ने, जितने भी अपने आर्टिस्ट सब ने ये चीज़ें पोस्ट डाली, अपने शोज वगैरह पोस्टपोन किए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी।